डियर फ्रेंड्स, कहानियां बचपन का एक अहम हिस्सा होती हैं। खेल खेल में कहानी सुनाकर एक ओर जहां माता पिता बच्चों का मानसिक विकास करते हैं, वहीं दूसरी ओर इससे बच्चों की प्रश्न पूछने की क्षमता का भी विकास होता है। लॉकडाउन के समय स्कूल बंद हैं, बच्चों के पास काफी समय है, पेरेंट्स भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में माता पिता अपने बच्चों को कहानियों के माध्यम से जीवन के मूलभूत सिद्धांतों से परिचित करा सकते हैं। आज पेरेंट्स अपने बिजी शेड्यूल के कारण बच्चों के साथ स्टोरी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि केवल स्टोरी सुनना ही उनके बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। कहानियों से बच्चों की मेंटल ग्रोथ होती है। कहानी सुनते समय बच्चा आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, इससे उसकी जानकारी बढ़ती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में खेल खेल में कुछ क्वालिटीज डेवलप हो, तो आप उसकी कहानी सुनने की आदत जरूर डालें। हो सकता है कि आपके बच्चे को इससे कुछ लाभ मिल जाए। कहानियों को सुनने के बाद बच्चों के मन में कई तरह की जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, जिन्हें वे प्रश्नों के रूप में पूछते हैं। यह उनकी ओर से जवाब को जानने का तरीका होता है, जो पूर्णतया स्वाभाविक है। इसकी बच्चों को निरंतर प्रैक्टिस कराएं। इससे उनमें अपने मन के विचारों को व्यक्त करने की क्षमता विकसित होगी, साथ ही वे मानसिक रूप से सुदृढ़ व परिपक्व भी बनेंगे, और इसका लाभ उन्हें अपनी पढ़ाई में भी मिलेगा, जो जरूरी भी है। हिस्टोरिकों में कई कहानियां ऐसी हैं जो बच्चों के एंटरटेनमेंट के साथ उन्हें नॉलेज भी देती हैं। इन कहानियों में अलग अलग स्थानों, देशों, राज्यों का जिक्र होता है। इससे बच्चे उन स्थानों के रीति रिवाजों, धर्म और परंपराओं से अवगत भी होते हैं। हंसते खेलते ही बच्चों को कई तरीकों से नॉलेज मिल जाती है, जो शायद और किसी तरह से बच्चे याद न रख पाए। जनरल नॉलेज से जुड़ी बातों को कहानी के माध्यम से वे आसानी से सीख सकते हैं। कहानियां सुनने से बच्चों में अनेक सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। वे दूसरों की बातों को धैर्यपूर्वक सुनना प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार वे एक अच्छे श्रोता के साथ ही साथ एक अच्छे वक्ता भी बनते हैं। इस तरह बच्चे अपने माता-पिता की बात को भी धैर्य से सुनते हैं और ध्यानपूर्वक उनकी बातें समझते हैं। हिस्टोरिकों में अधिकतम कहानियां जानवरों और पक्षियों पर कही गई हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी पालिका है। हम सभी ये भी जानते हैं कि हम किसी न किसी रूप में प्रकृति से जुड़े भी हैं। जानवर एवं पशु पक्षी प्रकृति का ही एक हिस्सा हैं, और कहते भी हैं कि यदि कुछ सीखना हो तो प्रकृति से सीखो। धैर्य, मित्रता, प्रेम, कृपा, ये सारे गुण हमें प्रकृति से ही सीखने को मिलते हैं। मेरी कहानियों में आप मित्रता का भाव बंदर और हाथी से सीख सकते हैं, कर्तव्य परायणता चींटी से, प्रेम एक भौंरे से, निर्णय लेने की क्षमता एक तोते से, अनेकों भाव कोयल से सीख सकते हैं। ये छोटे छोटे से जीव किस प्रकार धैर्य और साहस से अपने छोटे से जीवन काल को भी सुखमय बनाते हैं। तो सभी माता पिता अपने बच्चों में कहानी सुनने के इन गुणों का विकास करें, क्योंकि कहानियां बच्चों में न केवल सामाजिक गुणों का बल्कि जीवन के मौलिक सिद्धांतों का भी विकास करती है, जो उनके लिए आवश्यक भी है। ओके, बाय।